महात्मा पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। एक भगत को पता चल गया कि गुरुजी भाषा जानते हैं, वो पीछे पड़ गया। बोले, गुरु महाराज हमको सिखा दें। तो बोले, अरे भाई ये संतों की चीज है, इस साधना पद्धति की चीज है, तुम्हारे किसी काम की भी तो नहीं है। लेकिन वो गले पड़ गया, पीछे लगा ही रह गया। आज ही जाके एक बार उसको बता दिया। बड़ा शौकीन था, उसने कुत्ते घोड़े गधे खच्चर सब पाल रखा था, हर प्रकार के पक्षी पशु। अब घरे आके उस समझने लगा पशुओं की भाषा, समझने लगा भली प्रकार। एक दिन मुर्गा बोला कुत्ते से, अपने साथी से, बोले यार हम लोगों के बीच में जो ये घोड़ा है, ये आज से चौथे दिन मर जाएगा। जब उसने मालिक ने सुना तो तुरंत घोड़ा खोला और लेके गया, नीलाम के चौराहे पर खड़ा किया और बोली बोल के बेच दिया, अच्छी रकम पा गया। 4 महीने बाद मुर्गा बोला कुत्ता से, बोले यार ये जो खच्चर है हम लोगों के बीच में, ये भी आज से छठे दिन मर जाएगा। उसको भी नीलाम कर दिया, अच्छी रकम पाया। एक दिन मुर्गा सिर लटकाए था, कुत्ते ने पूछा आज बहुत उदास हो, क्या बात है? बोले यार गजब हो गया, हम लोगों को जो चारा पानी देता है ना गुलाम, आज से चौथे दिन वही मर जाएगा। भला आदमी है, कितना प्यार करता है, न जाने कैसा दुष्ट आ जाए, क्या दशा होगी हम लोगों की। जहां मालिक ने सुना तो बहुत खुश हुआ, हट्टा कट्टा जवान था सीधा लेके गया, काम करने में कुशल आज्ञाकारी, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त, चाहे खड़ियान में ले चलो चाहे ट्रैक्टर जुटवाओ, हर काम में आगे आगे फिट है, कोई खरीदने वाला, खासी कीमत पा गया, बहुत खुश था। वाह वारे गुरु महाराज, अच्छी विद्या सिखायो, अब तो मुर्दों की हड्डी से भी निकाल लूंगा। और सचमुच ठीक समय पर सबके सब मर गए। वो बहुत खुश था कि अब तो हम हड्डियों से भी पैसा निकाल लेंगे। एक दिन मुर्गा बोला यार आज से चौथे दिन मालिक ही मर जाएगा। अब भागा मालिक वहां से गुरु महाराज के पास, बोले पाही माम शरणागतम, बचावे बचावे। तो बोले भाई किसको बचाऊं, तुम तो ठीक ठाक हो, पीछे भी कोई नहीं है। बोले अरे महाराज उस मुर्गे ने कहा कि चौथे दिन घोड़ा मरेगा, वो भी मर गया, खच्चर भी सही निकला और गुलाम जो बेचा वो भी मर गया, और अभी कहा कि चौथे दिन मालिक मर जाएगा। तो प्रभु 2 दिन तो रस्ते में आने में लग गया, कल का दिन भर बीच में है, दया करें प्राण बचावे। तो महात्मा बोले अपने को भी बेच ले सस्ता मंदा, तो के पैसा चाहिए ना, अपने को भी बेच ले। तो बोले अरे महाराज पैसा कौन रखेगा? तो बोले बेटा वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, वो जो होनी है वो बोल रहा है। तुमने इस विद्या का प्रयोग था आत्मचिंतन में, प्रयोग करना था अपने कल्याण में, उधर न करके तुमने भोगों में खर्च करना शुरू किया। वो अपनी ओर से नहीं कह रहा, तुम्हारी आयु ही पूरी हो गई, वो कहेगा तो जाओगे, नहीं कहेगा तो जाओगे। खैर 2 दिन है, 2 दिन काफी है, तुम कर भजन। 2 दिन का समय लगाया, मौत आने से पहले न कोई मरता है और मौत आने के बाद में न कोई जिंदा रहता है। समय पर निकल भी गए।